आज क्वेश्चन आंसर डिस्कस करना है, कल तो बाकी सारा हो गया चैप्टर का, स्टार्ट कर देते हैं। सबके पास बुक है ना घर पे? यस सर। बुक भी देखते रहना, अगर है तो साथ में लेके बैठ जाओ लोग, आसान रहेगा। ऐसे स्क्रीन पे हम डाल दिए हैं। तो जैसे पहला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स। द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच ए मेटल पीस कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट। किसी मेटल को पीट के पतला पत्थर जो बनाया जाता है, उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? बोलते हैं मैलिएबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रॉन्ज इन एलॉय ऑफ। आंसर तुम लोग बताओगे, ऐसे तो स्क्रीन पे लिखा हुआ, हो सकता है वो गलत भी होगा। कॉपर एंड टिन। हाँ, ब्रॉन्ज यानी कल बताए थे कान से होता है, कान से मतलब कॉपर और टिन का मिक्सचर होता है। नेक्स्ट है, गोल्ड इज मिक्स्ड विद, गोल्ड के साथ क्या क्या, कौन कौन से दो मेटल मिलाए जाते हैं हार्ड बनाने के लिए? कॉपर एंड सिल्वर। सिल्वर एंड कॉपर। हाँ ठीक है, कॉपर एंड सिल्वर, कॉपर या सिल्वर, कॉपर एंड सिल्वर दोनों भी मिलाए जा सकते हैं, दोनों में से कोई एक भी मिलाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज द ओनली नॉन मेटल टू हैव ए नेचुरल लस्टर। मेटल्स में तो एक खास किस्म की चमक होती है, लेकिन नॉन मेटल्स में वो चमक नहीं होती है, लेकिन एक आयोडीन। वेरी गुड, आयोडीन सही आंसर है। आयोडीन का सिंबल होता है आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज द ओनली नॉन मेटल विच कैचेस फायर इन एयर। सर फॉस्फोरस। फॉस्फोरस ठीक है, तो फॉस्फोरस यहाँ पे राइट आंसर हो गया। ठीक है, ओनली मेटल विच एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। ओनली मेटल सर मर्क्यूरी। मर्क्यूरी ठीक है, मर्क्यूरी का सिंबल किसी को पता है? सर एमजी। सर एम जी मैग्नीशियम का होता है। सर एच जी। एक्चुअली मर्करी का लैटिन नेम होता है हाइड्राजाइरम, तो इसलिए इसका सिंबल होता है एच जी। ठीक है, चलो नीचे आते हैं। नेक्स्ट ये है आपका मैच द फॉलोइंग। आपका पहला है हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस। तो हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस जो है ये इन पांचों ऑप्शन में से है डायमंड। ठीक है, तो ये वन का हो गया। एल्युमिनियम ओर, ओर के बारे में बताए हैं नहीं बताए हैं? देखो जो मेटल्स होते हैं वो जमीन के अंदर से खुदाई करके निकाले जाते हैं, जब जमीन के अंदर से वो खुदाई करके निकाले जाते हैं तो वो प्योर मेटल के फॉर्म में नहीं होते। एक्चुअली मेटलर्जी पढ़ाना नहीं तुम लोग को, इसलिए वो खत्म कर दिया गया है। तो ओर के फॉर्म में जो मेटल जो जमीन के अंदर से खुदाई करके निकालते हैं, जिस चट्टान में से, जिस मिनरल में से एक या एक से अधिक मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उसको बोलते हैं ओर। ओर यानी मेटल का मिनरल। तो एल्युमिनियम का, हर मेटल का अलग अलग ओर होता है, एल्युमिनियम का जो ओर होता है उसका नाम है बॉक्साइट। ठीक है, उस तरह से आयरन का एक ओर होता है उसका नाम है हेमेटाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए नॉन मेटल नॉर्मली एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट। क्वेश्चन पे ध्यान दोगे, नॉन मेटल विच नॉर्मली एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट कौन सा होगा? ब्रोमीन। वेरी गुड, ब्रोमीन का सिंबल बी आर। वेरी गुड, बी आर। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। इन सब में से गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर कौन सा है? अब तो दो ही बचे हैं। सर ग्रेफाइट। ग्रेफाइट विच इज अ फॉर्म ऑफ कार्बन। एक नॉन मेटल होते हुए भी अच्छा इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है वो। और लास्ट है मेटलाइड। तो मेटलाइड आपका हो गया आर्सेनिक। आर्सेनिक का सिंबल कोई बताएगा? सर AS। AS, वेरी गुड, AS। चलो ये भी हो गया। अब नेक्स्ट है आपका MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। पहला है, द टू मोस्ट एबंडेंट मेटल्स फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट। यानी कि अर्थ के क्रस्ट में सबसे अधिक पाए जाने वाले दो मेटल कौन कौन से हैं?
एल्युमिनियम कॉपर है एल्युमिनियम एल्युमिनियम एंड आयरन वेरी गुड सबसे अधिक एल्युमिनियम उसके बाद आयरन होता है नेक्स्ट है द मेटल्स यूज्ड इन मेकिंग द एलॉय जर्मन सिल्वर में कौन कौन से मेटल होते हैं तीन मेटल होते हैं कॉपर जिंक एंड निकल कॉपर जिंक एंड निकल वेरी गुड चलो ये भी सही है अब नेक्स्ट नेक्स्ट है व्हेन ए मेटल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन द रिजल्टिंग ऑक्साइड ऑफ द मेटल इज ए न्यूट्रल ब्लू लिटमस को रेड करता है एसिडिक ऑक्साइड होता है या बेसिक ऑक्साइड होता है कौन सा सही है सर बेसिक ऑक्साइड ब्लू लिटमस रेड नहीं गलत है वो और ये भी गलत सर एसिडिक सर बेसिक ऑक्साइड सर बेसिक ऑक्साइड होगा हाँ मेटल के ऑक्साइड हमेशा बेसिक होते हैं इसलिए बेसिक ऑक्साइड सही आंसर होगा हम पहले बोले थे ना कि इसमें गलत भी लगा हो सकता है तो बेसिक ऑक्साइड इसका सही आंसर है नेक्स्ट है आउट ऑफ द मेटल्स गोल्ड सिल्वर कॉपर एंड एल्युमिनियम चार मेटल है गोल्ड सिल्वर कॉपर और एल्युमिनियम Which one is the most ductile? Ductile यानी कि पतला तार जिसका बनाया जा सकता है तो सबसे पतला तार किसका बनाया जा सकता है गोल्ड गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल एंड मोस्ट मेलिएबल मेटल ठीक है नेक्स्ट है टू ऑफ द मेटल्स दैट कैनॉट बी स्टोर्ड आइदर इन एयर और अंडर वाटर आर यानी दो ऐसे जिनको हम लोग पानी में पोटेशियम एंड सोडियम वेरी गुड ये हो गया अब आते हैं डी शॉर्ट आंसर वेरी शॉर्ट आंसर नेम वन मेटल एंड वन नॉन मेटल विच एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट तो मेटल आपका हो गया मरकरी है ना और नॉन मेटल कौन सा होगा सर नॉन मेटल में ब्रोमाइन सर ब्रोमाइन वेरी गुड तो मरकरी एंड ब्रोमीन हो गया मेटल अच्छा इसको जब एग्जाम में आंसर लिखोगे तो इसी तरह से लिख के कि मेटल पहले मेटल लिख के उसके सामने मरकरी सर वन मेटल इन द लिक्विड स्टेट उसके बाद सर सेकंड में सर नॉन मेटल इन द लिक्विड स्टेट हाँ उस तरह से लिखेंगे तो अच्छा रहेगा आंसर लिखने का तरीका ही मालूम होती है बोले सर हम तो आंसर सही लिखे लेकिन अब मान लो कि कोई आंसर लिखा और सिक्वेंस उसका थोड़ा सा चेंज हो गया पहले ब्रोमीन लिख दिया बाद में मरकरी लिख दिया अगर वो पूरा एलोबरेट नहीं करता है जैसे कुछ बच्चे लिखे ना सिर्फ मरकरी और कॉमा देके ब्रोमीन लिख दिए उस तरह से कोई बच्चा अगर ब्रोमीन और कॉमा मरकरी लिख दिया तो उसका तो गया एक भी नंबर नहीं मिलेगा लेकिन अगर मेटल लिख के डैश दे करके मरकरी लिखेगा और नॉन मेटल लिख के डैश दे करके ब्रोमीन लिखेगा तो पूरा नंबर मिलेगा चलो नेक्स्ट है स्टेट द फ्रैक्शन क्वेश्चन के वर्ड्स के ध्यान दोगे स्टेट द फ्रैक्शन ऑफ गोल्ड प्रेजेंट इन 18 कैरेट गोल्ड जनरली 5% सर 18 बाई 24 इज इक्वल टू 3/4 हाँ बहुत सारे क्या होते हैं लोग 75% निकाल के ला देते हैं 18 × 100/24 तो वो जब परसेंट कहेगा तब निकालेंगे यहाँ हमको सिर्फ फ्रैक्शन निकालना है तो 18/24 जैसे बताया जिसने भी बताया है और इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो आपको 3/4 आएगा तो वही आंसर होगा तो 18/24 लिखेंगे तो गलत हो जाएगा ना गलत नहीं होगा लेकिन जब भी आप आंसर लिखते हो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में किसी चीज को तो स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिखना चाहिए सिंपलेस्ट फॉर्म में 18/24 लिखने से गलत नहीं होगा वो भी सही होगा लेकिन क्यों 18/24 लिखेंगे जब हमको 3/4 करने आता है तो नेक्स्ट है स्टेट द प्रॉपर्टी ऑफ कॉपर वायर्स दैट मेक्स देम यूजफुल फॉर इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स यानी कॉपर वायर के ऐसे प्रॉपर्टी बताइए जो इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स बनाने में उसका यूजफुल होता है बताओ सर बिकॉज इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर हाँ इट इज अ गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर और दूसरा है डक्टालिटी इट इज ऑल्सो ए वेरी डक्टाइल यस सर नेक्स्ट है डिफाइन एन एलॉय
Li को define करना है तो Li is an homogeneous mixture of two metals, two or more metals or a metal with non-metal. वो दिया हुआ है बुक में कल बताए थे. नेक्स्ट है लिस्ट एनी टू यूजेज ऑफ नॉन मेटल्स. तो कोई भी दो से या दो तीन नॉन मेटल के यूज एक एक करके लिख देना है. ऑक्सीजन का क्या यूज है, नाइट्रोजन का क्या यूज है, हाइड्रोजन का क्या यूज है, इस तरह से. नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग इक्वेशन. सोडियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन. तो आपका सोडियम मेटल है, मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो मेटेलिक ऑक्साइड बनाएगा. तो ये आपका हो गया सोडियम और ये आपका हो गया ऑक्सीजन. इनके बीच में रिएक्शन कराना है, ये O2 ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस का रिएक्शन तो इसलिए O2 लिखते हैं. अच्छा तो बनेगा क्या, सोडियम ऑक्साइड. अब सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा, आपको 7th क्लास में बताया गया होगा फॉर्मूला लिखने का. तो सोडियम Na इसकी वैलेंसी होती है 1, ऑक्सीजन होता है O इसकी वैलेंसी होती है 2. तो क्रिस क्रॉस करते हैं, यानी इसकी वैलेंसी इसके नीचे और इसकी वैलेंसी इसके नीचे. तो आपका Na के नीचे आ जाएगा 2 है और O के नीचे आएगा 1, यानी 1 लिखने की जरूरत नहीं. तो Na2O. तो आपका सोडियम ऑक्साइड का जो फॉर्मूला हुआ वो हुआ Na2O. अब यहाँ देखो ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है. बैलेंस इसलिए नहीं है कि इधर में सोडियम एक है, इधर में सोडियम दो है, इधर में ऑक्सीजन दो है, इधर में ऑक्सीजन एक है. तो पहले यहाँ टू से मल्टीप्लाई किए, तो टू मल्टीप्लाई किए तो ऑक्सीजन दोनों तरफ बराबर हो गया, क्योंकि ये टू पूरे के लिए है, सोडियम के लिए भी और ऑक्सीजन के लिए भी. तो ऑक्सीजन 1 × 2 हो गया, बराबर हो गया. लेकिन सोडियम आपका हो गया 2 × 4, तो यहाँ पे 4 कर दो, 4Na+O2 और बन रहा है 2Na2O. दैट इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. उसके बाद है एल्यूमिनियम रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड. तो एल्यूमिनियम का आपका सिंबल होता है Al और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है HCl. तो मालूम होगा HCl होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड. तो आपका जब मेटल जो है डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो बनता है मेटल का सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस. आपका एल्युमिनियम क्लोराइड बनेगा. एल्युमिनियम आया मेटल से और क्लोराइड आया HCl से. तो एल्युमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा, तो एल्युमिनियम का फॉर्मूला सिंबल होता है Al और वैलेंसी होती है 3 और क्लोरीन का होता है Cl और इसकी वैलेंसी होती है 1. तो क्रिस क्रॉस करेंगे तो इसका फॉर्मूला आ जाएगा Al, इसके नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, और Cl के नीचे AlCl3. वेरी गुड. तो AlCl3 आ गया आपका, AlCl3 और साथ में बनेगा हाइड्रोजन H2 प्लस H2. तो अब देखो एल्युमिनियम तो दोनों तरफ बराबर है, लेकिन इधर क्लोरीन तीन एक है, इधर तीन है, इधर हाइड्रोजन एक है और इधर दो है. तो दोनों एक टेबल में, 2 और 3 एक टेबल में नहीं आ सकते. तो उन दोनों का एलसीएम निकालते हैं. 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 6. तो यहाँ पे 6 कर दिए. तो जब यहाँ पे 6 किए तो हाइड्रोजन आपका 6 हो गया. तो 6 करने के लिए यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दिए. अब क्लोरीन भी 6 है इधर, और इधर क्लोरीन 3 है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिए. तो हाइड्रोजन और क्लोरीन बराबर हो गया, लेकिन इस दौरान एल्युमिनियम 2 हो गया. तो 2 हो गया तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिए. तो 2Al+6HCl forms 2AlCl3+3H2. ठीक है, इसको नोट कर लो ये दोनों इक्वेशन को. आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई आर गोल्ड एंड प्लैटिनम सुटेबल फॉर मेकिंग ज्वेलरी. यानी गोल्ड और प्लैटिनम के गहने क्यों बनाए जाते हैं. कल ही हम लोग डिस्कस किए थे कि सिंस गोल्ड एंड प्लैटिनम do not react with most of the substance, so they do not lose their luster for a long time. That is why gold and platinum are suitable for making jewelry. फिर से बोल रहे हैं, gold and platinum are noble metals. They do not react with most of the substances, and so they do not lose their luster for long time. So these metals are used. Sir. हाँ बोलो. सर एक ये भी तो रीजन हो सकता है कि सर वो लोग डक्टाइल और मैलिएबल होते हैं.
डक्टाइल और मेलिएबल तो सिल्वर और कॉपर भी होते हैं, उसका भी तो बना सकते हैं ना। नो सर, डक्टाइल और मेलिएबल होते ही नहीं तो सर उन लोग को गोल्ड और प्लैटिनम जो भी बनाना है। डक्टाइल और मेलिएबल हो गया, डक्टाइल और मेलिएबल से गहने बना लिया, वो भी है कि पतला बना जा सकते हैं, लेकिन अगर वो रिएक्शन करके उसमें जंग लगने लगे, रस्टिंग होने लगे, तो फिर बनाएंगे उसका गहना कितना भी डक्टाइल और मेलिएबल हो। नो सर, मेन प्रॉपर्टी वही है कि वो रिएक्शन नहीं करते, उनकी चमक नहीं जाती है। गहने चमकदार बनते हैं कि डल बनेंगे? प्लास्टिक का गहना नया नया खरीद के लाते बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कुछ दिन बाद उसका सब साइन खत्म हो जाता है, इसलिए लोग आर्टिफिशियल ज्यादा नहीं यूज करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम एंड पोटेशियम इज स्टोर्ड अंडर केरोसिन, यानी सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन में डाल के क्यों रखते हैं, ये क्वेश्चन है। तो इसमें लिखेंगे कि सिंस सोडियम पोटेशियम आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स, दे रिएक्ट विथ वाटर प्रेजेंट इन एटमोस्फेयर एंड कैच फायर, सो दैट इज व्हाई दीज मेटल्स आर स्टोर्ड अंडर केरोसिन। सोडियम पोटेशियम हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, जब उनको ओपन एयर में रखेंगे तो वो वाटर में जो मॉइस्चर यानी कि सॉरी एयर में जो मॉइस्चर है वाटर है उसके साथ रिएक्शन करके उनमें आग लग जाएगी, इसलिए उनको केरोसिन में डाल के रखते हैं। चलो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज ब्रॉन्ज प्रेफर्ड ओवर कॉपर मेटल फॉर मेकिंग स्टैचूज, मूर्तियों को बनाने के लिए प्योर कॉपर के बदले ब्रॉन्ज को प्रेफर किया जाता है, क्यों ब्रॉन्ज को प्रेफर किया जाता है? तो इसका कारण है कि ब्रॉन्ज इज लाइटर मेटल देन कॉपर, लाइटर मतलब हल्का, ब्रॉन्ज इज लाइटर एलॉय देन कॉपर मेटल। नेक्स्ट, ब्रॉन्ज इज मोर रेजिस्टेंट टू कोरोजन देन कॉपर, जैसे आप कॉपर के आर्टिकल देखोगे तो उसके ब्लूइश एक लेयर बन जाता है या ब्लैकिश लेयर बन जाएगा, क्यों? क्योंकि कॉपर कंपैरेटिवली ज्यादा रिएक्टिव है ब्रॉन्ज की तुलना में, तो वो जो एटमोस्फेयर में सल्फर है या ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्शन करके कॉपर सल्फेट या कॉपर ऑक्साइड बना लेता है, जिससे उसका जो कलर है वो खराब हो जाता है। लेकिन उस ब्रॉन्ज कॉपर के बदले अगर ब्रॉन्ज ले लेते हैं तो ब्रॉन्ज जो है उसमें जल्दी कोरोजन नहीं होता, उसका रिएक्शन रेट और कम हो जाता है, इसलिए ब्रॉन्ज को यूज करते हैं। हाँ बोलो सर, सेकंड पॉइंट क्या बोलेंगे सर, दोबारा रिपीट कर दीजिए इस क्वेश्चन का। इसमें लिखोगे कि ब्रॉन्ज इज लाइटर देन कॉपर, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ब्रॉन्ज इज मोर रेजिस्टेंट टू कोरोजन, मोर रेजिस्टेंट टू कोरोजन यानी कि उसमें जल्दी कोरोजन नहीं होता है, ब्रॉन्ज इज मोर रेजिस्टेंट टू कोरोजन देन प्योर कॉपर मेटल। ये दोनों पॉइंट लिख के उसके बाद लास्ट में लिखेंगे दैट इज व्हाई ब्रॉन्ज इज प्रेफर्ड ओवर कॉपर मेटल, यानी जो क्वेश्चन है वही लिखेंगे, ओवर कॉपर मेटल फॉर मेकिंग स्टैचूज। क्लियर? और किसी क्वेश्चन में किसी कोई प्रॉब्लम? नो सर। सर हाँ बोलो सर, ब्रॉन्ज इज अलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन, ये भी हो सकता है ना? एलॉय तो है, तो एलॉय में ऐसा क्या प्रॉपर्टी है कि उसको हम यूज करें? वो तो ब्रॉन्ज के बारे में जानकारी हुई कि ब्रॉन्ज इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन, तो ब्रॉन्ज क्यों यूज किए, फिर ब्रास क्यों नहीं यूज किए? Yes, तो स्टैचू बना सकते हैं ना, वो भी तो कॉपर और जिंक का एलॉय होता है। तो पहला चीज है कि इतना भारी ना हो, अब सब सोचो कि मूर्ति बना दे इतना भारी है कि उठाने में ही गिर जाए टूट जाए, तो वो भी नहीं कर सकते, और ज्यादा वेट होगा तो पैसा भी ज्यादा लगेगा। तो ब्रॉन्ज हल्का है कान से, और एक तो पहला प्रॉपर्टी हो गया कि हल्का है, दूसरा प्रॉपर्टी है कि उसमें कोरोजन भी देर से होता है, उसके जो चमक है वो देर से जाती है, इसलिए उसको यूज करते हैं। और किसी को कोई प्रॉब्लम क्वेश्चन आंसर में? नो सर। चलो तो क्वेश्चन आंसर करके और इनसाइड क्वेश्चन खुद से बनाओगे जितना मैक्सिमम हो सकेगा, और उसके बाद हम लोग जब नेक्स्ट भी क्लास होगा, जब भी होगा छठ पूजा के बाद, तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, और फिर एक लास्ट लेसन बचा हुआ है पोल्यूशन ऑफ एयर, और वो खत्म करने के बाद हम लोग फिर सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक जो है, जो हम बोले थे कि हटा दिया गया लेकिन पढ़ा देंगे, तो उसको भी खत्म कर लेंगे। ठीक है?
सर इज अ पोस्ट मेटल में सर कौन सा लेसन आएगा सर? अभी उसके बारे में कोई डिसीजन नहीं हुआ है कौन सा लेसन आएगा, अभी तो उसमें टाइम है, नवंबर में तो नहीं होगा, दिसंबर में होगा तो देखा जाएगा कौन सा लेसन। यही मेटल एंड नॉन मेटल ही दिया जाएगा और क्या सर? छुट्टी का ऑब्जेक्टिव आएगा? हाँ मोस्ट प्रोबेबली जो एग्जाम होगा पोस्ट मिड टर्म उसमें ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही रहेंगे सर। फाइनल में स्कूल में आना पड़ेगा नहीं जान देने के लिए? अभी उसके बारे में क्या कहा जा सकता है, जब गवर्नमेंट का ऑर्डर है तो मार्केट में निकलो तो पता ही नहीं चल रहा है कोरोना वोरोना कुछ है, लेकिन गवर्नमेंट का इंस्ट्रक्शन है कि नहीं खोलना है अभी लोअर क्लासेस के लिए, तो नहीं खोलना है। चलो सर छुट्टी कब से हो रही है? बस आज के बाद का लास्ट क्लास है छठ के पहले का, आज दिवाली और छठ का छुट्टी कल से स्टार्ट 22 तक। सर इसको होमवर्क भी मिलेगा ना? क्या मिलेगा? होमवर्क? होमवर्क तो नहीं दिए, क्वेश्चन आंसर करके लाना है इस लेसन का। यस सर। और ज्यादा होमवर्क चाहिए? हाँ बोलो। नहीं सर। चलो और किसी को कोई कुछ बोलना है? ऋतिक हाँ बोलो फिर से, तुम्हारा आवाज कट के आ रहा था, दोबारा बोलो। सर ज्वेलरी को पॉलिश कराने के बाद सर उसका वेट कम क्यों हो जाता है? देखो अगर ज्वेलरी जो है ना, अगर गहने को पॉलिश करने वाले, पॉलिश करने का मतलब क्या होता है, उसके ऊपर का लेयर को हटा देना है, तो पॉलिश कोई ऐसा पॉलिश करके कुछ खास उस पर लेयर चढ़ाना नहीं है बल्कि लेयर को कम करना है। तो अगर थोड़ी बहुत कमी आ रही है कुछ मिलीग्राम की तो जो उसके ऊपर डस्ट ग्रीस जमा हुआ है वो हटने के कारण आ रही है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा ड्रास्टिक कमी आ रही है, मतलब मान लो कि आपका गहना जो है 25 ग्राम का था और वो 20 ग्राम का हो गया, 15 ग्राम का हो गया, तो आपको जो सफाई करने वाला है पॉलिश करने वाला है वो आपको चीट कर रहा है। तो चीट कैसे कर रहा है आपको थोड़ा सा बता देते हैं। जैसे हम लोग अभी पढ़े कि ये जो है गोल्ड और प्लैटिनम ये दोनों जो मेटल हैं वो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते, इवन एसिड के साथ भी रिएक्शन नहीं करते, लेकिन दो एसिड का मिक्सचर होता है, एक होता है HCl, HCl कौन सा एसिड कहलाएगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक, तो हाइड्रोक्लोरिक कंसेंट्रेटेड यानी आपको ये डाइल्यूटेड नहीं कंसेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेते हैं और कंसेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लेते हैं, ठीक है ना, HNO3 टेक्स्ट लिख देते हैं इससे थोड़ा, HCl ये आपका हो गया कंसेंट्रेटेड और साथ में HNO3 ये भी आपका हो गया कंसेंट्रेटेड, ठीक है, और इनका जो रेशियो होगा ये हो गया आपका 3 वॉल्यूम, 3 वॉल्यूम मान लो कि जैसे ये 300 ml लिए और ये 1 वॉल्यूम, तो ये जो है 100 ml लेंगे, और इनका जो है ये दोनों को मिला करके जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या लिखे इज कॉल्ड व्हाट, ये क्या लिखा है? एक्वारेजिया। तो एक्वारेजिया जो है कहाँ चला गया, या इसको रॉयल वाटर भी कहते हैं, ठीक है ना, एक्वारेजिया यार कहाँ क्या
एक्वेरियम को रॉयल वाटर कहते हैं। तो इसमें जो है आपको जब इसका रिएक्शन कराते हैं हम लोग, इसको जब मिक्सर करते हैं तो उसमें आपको एक नया रिएक्शन, नया एसिड बनता है, नया एसिड नहीं बल्कि एक नया कंपाउंड बनता है HOCl3 हाइपोक्लोरिक एसिड, हाइपोक्लोरस एसिड। और इसके साथ जब गोल्ड या प्लेटिनम को डालते हैं तो रिएक्शन करता है, और रिएक्शन करके गोल्ड का क्लोराइड बनाएगा या ये आपको प्लेटिनम का क्लोराइड बनाएगा। तो जो चीटर होते हैं ना, गहने साफ करने वाले, खास करके गांव देहात में जब जाओगे तो वहाँ गली में जैसे फेरी वाले निकलते हैं, उस तरह से गहने साफ करने वाले भी निकलते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं कि आपके सामने दो बाउल लेकर, दो ये एसिड रखा रहेगा कंटेनर में, प्लास्टिक कंटेनर में, और एक बाउल लेकर के उसमें वो दोनों एसिड को आपके सामने मिलाएगा, और मिला करके और उसमें गहने को डाल देगा। अब वो जितनी देर तक उस गहने को उसमें रखेगा उतना देर तक उसका रिएक्शन होगा, और उतना ही वो गोल्ड जो है या प्लेटिनम जो है वो इस फॉर्म में, क्लोराइड के फॉर्म में नीचे वो डिपॉजिट होते जाएगा। और उसके बाद आपके वो गहने को चिमटे से निकाल करके और बोलेगा कि कपड़ा लाइए साफ कपड़ा, और साफ कपड़ा में डाल वाल के आपको दे देगा, और बोलेगा कि इसको 4 घंटे तक खोलिएगा नहीं तो काला हो जाएगा। तो आपका जो जितना वो गोल्ड था जो कि उसके लिक्विड में घुल के रह गया तो उतना तो वजन कम आएगा ही। तो इसीलिए जब गहने साफ करने को देते हैं, हम लोग शहरी क्षेत्र में है तो थोड़ा ज्यादा प्रिकॉशन हम लोग ले सकते हैं कि जब साफ करने को दें तब भी वजन करके दें, और जब वापस लें तब भी वजन करके, और उसमें देखना है कि बहुत ज्यादा का अंतर नहीं हो, कुछ मिलीग्राम्स का हो। समझ में आया? तो मतलब अंतर हुआ तो अंतराल में क्या कर सकते हैं उसके बाद? अब वो चीटिंग कर लिए तो उसके बाद क्या कर सकते हैं? उसके बाद उसको रिपोर्ट ही ना कर सकते हैं, नहीं करे उसके लिए प्रिकॉशन लेना है। अब हम गहना खरीदने गए, कल हम जैसे बताए थे हॉलमार्क के बारे में, अगर गहना खरीदने गए और वहां पे पहले प्रिकॉशन नहीं लिया, हमको चीट कर लिया, वो तो फिर उसके बाद तो फिर कैसे कचहरी ऑप्शन रह जाएगा, उससे झगड़ा तो लाठी लेके नहीं ना करने जाएंगे, बहुत से लोगों भी करने जाएंगे। चलो ठीक है, तो और कोई क्वेश्चन? और किसी का कोई क्वेश्चन? नो सर। चलो आज का मीटिंग समाप्त, अब छुट्टी के बाद मिलते हैं। नो सर।